told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. पीसी है और ये एआईपीसी है डेल का। ये प्रोडक्ट हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। एक ऐसा फीचर जो इसको अलग बनाता है एआईपीसी होने के लिए, वो है इसका स्नैपड्रैगन चिपसेट पे बनना प्लस लॉन्ग बैटरी आर, विच इज द की ऑफ दिस न्यू लैपटॉप। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें अपना वर्डिक्ट हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइनिंग की। इस लैपटॉप का डिजाइन काफी स्लीक है, लिड पर डेल का लोगो है, टॉप लिड मेटालिक मटेरियल से बना हुआ है और इसके टॉप लिड में फ्लेक्स 9 के बराबर है। बैक साइड में प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। आइस ब्लू कलर ऑप्शन में ही मिलता है ये लैपटॉप, बाकी बड़ा थिन और लाइट सा लैपटॉप है ये। कीबोर्ड के दोनों साइड स्पीकर्स दिए गए हैं, पावर ऑन वाले बटन के साथ में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी इसमें 9 के बराबर है, यानी बिल्ड क्वालिटी एकदम सही है इस लैपटॉप का। डिजाइन के मामले में प्रोफेशनल को टारगेट किया हुआ ये लैपटॉप बहुत ही सिंपल और नीट एंड क्लीन बॉडी डिजाइन में आता है। दोस्तों डिस्प्ले भी इस लैपटॉप का काफी अमेजिंग है और QHD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है। तो डिस्प्ले की बात करते हैं। आप ये लैपटॉप 14 इंच के साथ आता है, QHD प्लस डिस्प्ले है इसमें, 400 nits पीक ब्राइटनेस के साथ 100% sRGB के साथ आता है, 60Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको, टच स्क्रीन के साथ आता है ये लैपटॉप। बाकी मूवीज और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है इस स्क्रीन में, डे लाइट एनवायरमेंट में भी आपको कॉन्टेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वीडियो रेटिंग के टाइम कलर्स काफी एक्यूरेट शो होता है, तो डिस्प्ले के मामले में तो ये एक बिल्कुल ही सही लैपटॉप है। बैटरी एक मेजर कंसर्न होता है हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बार बार अगर आपको चार्ज करना पड़े तो आप बहुत ही इरिटेशन होती है। तो ये लैपटॉप इसका जो की फीचर है वो इसका बैटरी बैकअप है। सिंगल चार्ज पे आप इसको 21 आवर्स तक का नॉर्मल यूजेज में यूज कर सकते हो। वही अगर आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो या फिर और भी मल्टीमीडिया कंटेंट देख रहे हो, स्क्रीन का यूजेज ज्यादा हो रहा है, तो ये तकरीबन 16 घंटे तक का बैकअप आपको दे देगा। लैपटॉप को डे टू डे टास्क में यूज किया जिसमें हमने वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप यूज किया और थोड़ा ऑफिस वर्क करके वीडियो कंटेंट देखा, तो इसमें आराम से हमें 17 घंटे का बैकअप दिया। बट इसमें कंडीशन ये थी कि हमने इसकी बैक लाइट ऑफ की थी, प्लस 70% ब्राइटनेस के साथ आराम से इसमें अच्छा खासा बैकअप दे दिया सिंगल चार्ज पे। डेल का इंस्पिरॉन लैपटॉप ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जो हर साल नए इनोवेशंस के साथ आता है, और ये इनोवेशन जो इस बार आया है डेल की तरफ से, विच इज रियली अमेजिंग, बेस्ड ऑन अ न्यू प्रोसेसर फ्रॉम क्वालकॉम, प्लस 2-in-1 सपोर्ट यानी डिस्प्ले आपको टच मिल जाता है, काफी जो ईज है वो इस लैपटॉप से आपको आता है, सीमलेस कनेक्टिविटी होती है और आपके वर्क को और भी इनहेंस करता है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी पावरफुल है। लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस लैपटॉप में स्नैपड्रैगन एक्स प्लस प्रोसेसर मिल जाता है और 16GB रैम LPDDR5X और 512GB SSD M.2 मिल जाता है। और नेटवर्क की बात करें तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आपको वाईफाई वर्जन 6 मिल जाता है और ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड मिलता है आपको जो क्वालकॉम एड्रिनो वाला है। वर्किंग लाइफ में किसी भी लैपटॉप का कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है क्योंकि आप क्या क्या उसमें कनेक्ट कर सकते हो, तो इस लैपटॉप में आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं जिससे जो अभी करंट ट्रेंड में है और आपको जरूरत पड़ सकती है। लेट मी शो यू व्हाट कनेक्टिविटी ऑप्शंस यू आर गेटिंग इन दिस लैपटॉप। इस लैपटॉप में लेफ्ट साइड में 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और एक माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिलता है आपको। राइट साइड में आपको 1 यूएसबी टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है विद हेडफोन जैक 3.5mm वाला। बैक साइड में एयर वेंट्स मिल जाते हैं और इसके नीचे के साइड में 2 बॉटम फायर स्पीकर मिल जाता है आपको। इंस्पिरॉन 14 प्लस में आपको बहुत ही इंट्यूटिव इंटरैक्शन ऑप्शन मिल जाता है, टच के साथ साथ आपको इसमें वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों हम सब AI की बात कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड AI को अडॉप्ट कर रहा है और PC विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब जो PC आ रहा है मार्केट में AI पावर्ड PC आ रहा है और Copilot Plus इज अ इनोवेशन विच माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड।
सो कोपाइलट प्लस का जो इसमें इंटीग्रेशन है विच विल रियली हेल्प यू टू ईज योर वर्क विद द एआई सपोर्ट. 14 प्लस के इस लैपटॉप में आपको एनपीयू का सपोर्ट मिल जाता है जो कि इजी कर देता है एआई टास्क के लिए. इंस्पिरॉन इज नोन फॉर इट्स यू नो कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट एंड जो इसका कीबोर्ड है काफी कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है और टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग है. इनफैक्ट जो इसका टच पैड है वो भी काफी स्पेशियस है और आपको काफी एम्पल ऑफ स्पेस मिल जाता है इसके टच पैड को यूज करने में. तो दोस्तों आपको बैकलिट सपोर्ट भी मिल जाता है इस कीबोर्ड में, तो कहीं ना कहीं आप डार्क एनवायरमेंट में भी काम करना चाहते हैं तो डेल इंस्पिरॉन प्लस आपको सपोर्ट करेगा. एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी स्क्रीन के साथ साथ आपको अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस भी चाहिए तो इसमें आपको क्वाड स्पीकर्स मिल जाता है. साथ में आपको इसमें डुअल माइक का सपोर्ट दिया जाता है ताकि आप अगर इसको कमांड दे रहे हैं तो अगर थोड़ा डिस्टेंस इधर या इधर है तब भी ये आपका कमांड प्रॉपर रिसीव कर रहा है. दोस्तों अब बात करते हैं डीटीवी वर्डिक्ट की. डीटीवी वर्डिक्ट इसका काफी पॉजिटिव है क्योंकि एआई पावर्ड पीसी हमने रिव्यू किया. डेल इंस्पिरॉन ऑलरेडी एक पॉपुलर कैटेगरी है और बिल्कुल निराश नहीं करेगा ये डेल इंस्पिरॉन 14 प्लस पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर विच इज वेरी इफिशियंट टू गिव यू ग्रेट वर्क फ्रॉम दिस लैपटॉप. अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये इसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली 1 लाख से ऊपर है. ये एआई पावर्ड पीसी है और काफी कॉन्फ़िगरेशन और ओवरऑल आपको 2-in-1 पीसी मिलता है, यानी इसमें आपको टच मिल जाता है, आपका कीबोर्ड सपोर्ट अच्छा है, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 512 GB अगर स्टोरेज लेते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,12,000. अगर आप इसके स्टोरेज को बढ़ाते हो 1 TB तक तो you'll have to pay around 1,16,000. So ये price vary कर सकता है. Dell के साइट पे भी आप चेक कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी है. अगर इसकी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करें, जो हमारी टीम ने इतने दिन इस लैपटॉप को यूज किया, रिग्रसली यूज किया, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए हो या फोटोशॉप यूज करना हो, तो ये सारे एप्लीकेशन पे इस लैपटॉप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया. इनफैक्ट जब हमने इसको कोपाइलट भी यूज करने की कोशिश की तो इसका रिस्पॉन्स टाइम सब कुछ बहुत ही बढ़िया था. और इनफैक्ट इस लैपटॉप की जो खास बात है वो इसका चार्जिंग है, यानी चार्ज करने की बार बार जरूरत नहीं है, ऑल डे चार्जिंग विच यू आर गेटिंग. और इनफैक्ट अगर आप चार्जिंग बैटरी बैकअप एक यूएसपी है इसका जिसके लिए आप जरूर इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं. और दूसरा यूएसपी इसका स्लीक डिजाइन, लाइट वेट. 1.4 kg के साथ ये लैपटॉप काफी लाइट वेट में काउंट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप इसको बैकपैक में भी लेके मूव करते हो, इधर से उधर जाते हो. तो यू कैन गो फॉर दिस बेस्ड ऑन आर ओन रिव्यू, यूजेस एंड परफॉर्मेंस. मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस लैपटॉप से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो रह गई है आप हमसे पूछ सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि हम इससे जुड़ी हुई और भी बातें आपसे शेयर कर सकें. इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को जो डेल इंस्पिरॉन प्लस पे बेस्ड है उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. हो सकता है कोई एआई पावर्ड पीसी सर्च कर रहा हो और उसे ये वीडियो हेल्प कर दे. आप हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पे जरूर लॉग इन करें ताकि आप टेक वर्ल्ड से जुड़ी हुई हर न्यूज को पढ़ सके. और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और एक्स पे हमें जरूर फॉलो करते रहें. इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. गुड बाय एंड टेक केयर.